हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट रेशियोज। सो आपने अभी इन द प्रीवियस सेशन यू हैव लर्न अबाउट के जब हमारे ऐसे डिफरेंट यूनिट्स दे रखी होती हैं एंड वी डू द कंपेरिजन, और उसमें हमने ये देखा था कि वो हम अगर रेशियो फॉर्म में रख दें देन ऑल्सो वी कैन डू द कैलकुलेशन। हाउ डू वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशियोज? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो? जैसे हम चल रहे हैं टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि देखिए जो डिफरेंट रेशियोज होते हैं दे कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद ईच अदर टू नो वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। मीन्स आपको ये देख लें कि जैसे आपको एक वो हमने आमिर और हिना का देखा था, उनकी हाइट्स हमें मालूम थी। इस वे में हमें और किसी की भी हाइट्स, हम दो दो और चीजों की भी हाइट कंपेयर कर सकते हैं एंड देन उन सबको लेके कर सकते हैं कि वेदर इनका जो प्रोपोर्शन है इज दैट सेम। तो ये आ गया कि इट कैन ऑल्सो बी कंपेयर विद ईच अदर टू नो वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। नाउ इसके लिए क्या करना होगा? जब वी हैव टू फाइंड आउट के वेदर द गिवन जो क्वांटिटीज हैं दे हैव अ इक्विवेलेंट रेशियो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट वी नीड टू राइट द रेशियोस, और ये जो रेशियोस है हमें किस फॉर्म में लिखने पड़ेंगे? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। जैसा अगर मान लो हम कह रहे हैं 5:3, दिस मीन्स अब हमें लिखना पड़ेगा 5/3। सो दिस इज द रेशियो फॉर्म एंड दिस इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? दिस इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म। सो रेशियोज को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंड देन वी नीड टू डू द कंपेरिजन। वो सब कैसे होगा? लेट अस लर्न। सो आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट? अब आपको देखिए ये दो रेशियो दे दिए, अब वो कह रहे हैं आर दे इक्विवेलेंट। तो इसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या है, क्योंकि अब देखें हमें आपने पहले सम्स करे हैं, इसमें यू नो कि व्हेन वी आर गेटिंग द सेम डिनोमिनेटर देन ओनली वी कैन इमीडिएटली कम टू द कंक्लूजन वेद जो रेशियो है डेट आर इक्विवेलेंट और नॉट। सो द मेन पर्पस यहाँ पे, बिकॉज हमें दो डिनोमिनेटर्स दे आर डिफरेंट, तो फर्स्ट हमारा पर्पस है टू ब्रिंग दीज डिनोमिनेटर टू द कॉमन थिंग। तो उसका जैसा आए वी फाइंड आउट द एलसीएम, और उस बेसिस पे बिकॉज इन दोनों का हम देख रहे हैं 2 and 3 का एलसीएम इज कमिंग 6, तो जो हमारा 1/2 है फर्स्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट इन द डिनोमिनेटर 6। तो टू ब्रिंग इन टू 6 हम क्या करेंगे? आई विल मल्टीप्लाई 1/2 न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर बाय 3। सो मेरे पास वैल्यू आ गई 3/6। इन द सेम वे अब 2/3 को भी मुझे लाना है, तो 2/3 को इस 3 को आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसका जो न्यूमरेटर है डेट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका आ गया हमारा 4/6। तो अब आप देखें हमारा ये जो था 1/2 जो जा रहा था उसका जो रेशियो था वो आया 3/6, और जो हमारा 2/3 था उसका जो रेशियो आया वो मिला 4/6। सो यहां देख रहे हैं ये है 3, ये है 4, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आर दे इक्विवेलेंट? नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, वन इज मोर देन द अदर। तो अब हमें पता चल गया इसमें कि 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2। सो जस्ट रिमेंबर व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट और ग्रेटर और स्मॉलर थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, फर्स्ट द रेशियो दैट इज गिवन टू अस वी हैव टू राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, आफ्टर पुटिंग इन फ्रैक्शन फॉर्म वी हैव टू ब्रिंग द डिनोमिनेटर कॉमन, एंड व्हेन वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर फॉर बोथ देन वी कैन डू द कंपेरिजन। है ना, समझ में आ गया आपको ये चीज? नाउ मूविंग फर्दर, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट टीम इन द मैचेस प्लेड
तो यहाँ पे क्या है, देखिए लास्ट ईयर उसके विंस थे 8, लूजेस थे 10, सॉरी 2, ठीक है। दिस ईयर उसने 4 विन करे और लूज करे 2। नाउ इफ यू वॉन्ट टू गिव द आंसर कि इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर, कौन से ईयर में उसका रिकॉर्ड बेटर था, मींस कौन से ईयर में उसने ज्यादा मैचेस जीते, और वी कैन से जिस ईयर में उसने ज्यादा मैचेस जीते उसका ही रिकॉर्ड विल बी बेटर। वो कैसे करेंगे हम लोग? नाउ क्या होगा, वी आर गोइंग टू फाइंड द रेशियो विंस इज टू लूजेस, विंस इज टू लूजेस। तो विंस टू लूजेस लास्ट ईयर का 8:2, तो लास्ट ईयर का विंस इज टू लूजेस 8:2, दिस ईयर का विंस इज टू लूजेस इज 4:2, ठीक है। सो नाउ अब जैसा आपको मालूम है रेशियो को हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होता है, तो 8/2, अगेन दिस विल बी 4/2, ठीक है। अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। तो देखिए अब हमें डिनोमिनेटर सेम मिल रहे हैं ना, डिनोमिनेटर हमें सेम मिल रहे हैं, तो हम इजिली बता सकते हैं कि ये जो है मींस लास्ट ईयर में क्या है हमें जो मिल रही है वैल्यू 4, और प्रेजेंट ईयर में वी आर गेटिंग वैल्यू 2। तो कौन से ईयर में परफॉर्मेंस अच्छी रही? लास्ट ईयर में परफॉर्मेंस वॉज बेटर, है ना, क्योंकि उन्होंने हमसे यही पूछा है। तो नाउ यू गेट टू नो कि बाय टेकिंग आउट द रेशियो एंड पुटिंग इट इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन डूइंग द कैलकुलेशन, अब हमें उसमें और ज्यादा कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं हुई क्योंकि हमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम मिल रहा था जब हमने फ्रैक्शन करा एंड वी हैव ब्रॉट इट टू द लोएस्ट वैल्यू। तो दो वैसे हम देख रहे हैं क्या था, यहाँ पे भी 2 2 था ही है, या दोनों में 2 2 हमें डिनोमिनेटर सेम था, इसको ही देख के हमें पता चल रहा था, लेकिन हमेशा वी गेट टू द लोएस्ट वैल्यू एंड देन गिव द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, कैन यू से वेदर अ कार्ड विद लेंथ 4.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इज नियर टू द रेशियो 3:2। नाउ अ कार्ड विद अ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, तो इसका वी आर टेकिंग द रेशियो 4.5:3, और हमें यह करना है इट इज नियर टू द रेशियो 3:2। सो दिस मीन्स हम क्या करेंगे, 4.5/3, डेसिमल हटाने के लिए आई विल पुट अ 0, सो 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9, क्या मिल रहा है हमें इसमें 3/2, दिस मीन्स 3:2। तो वो कह रहे हैं कि कैन यू से वेदर अ कार्ड विद लेंथ ऑफ दिस जो गिवन है इज नियर टू द रेशियो 3:2, यस वी आर गेटिंग 3:2। सो सी उन्होंने दे हैव गिवन वन रेशियो और इसमें दे हैव गिवन द मेजरमेंट, तो बाय दीज मेजरमेंट्स वी कैन कैलकुलेट द रेशियो, और इससे हमें पता चल गया क्या कि ये जो है इट इज नियर टू द रेशियो 3:2। तो कैन वी से, वी कैन से यस। मूविंग फर्दर, नाउ अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो व्हेन यू डू मार्किंग इन मैप क्या होता है, सिटीज में कितना डिस्टेंस होता है, हाँ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हंड्रेड किलोमीटर वो एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन मैप में हमें मार्क करना होता है। तो वो मैप में कैसे मार्क करते हैं, वी टेक द स्केल, और उसमें कि जो हमने यहां से अगर मान लो कोई सिटी 1000 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ऐसे मार्क कर देंगे और स्केल लिख देंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो दिस मीन्स अगर हमने यहां से यहां का डिस्टेंस बताया है तो उतना 2 सेंटीमीटर नाप करके हमें पता चल गया दिस द एक्चुअल डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर। वॉट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर।
So 2 centimeter ka they are saying 1000, but if we are getting 2.5 centimeter, I have to calculate the actual distance. To dekhe, maths mein I always tell you ke ek method aisa nahi keh sakte isse solve karne ka, this is the only method. There are many methods. So I will discuss two methods with you. अब जो आपको जो मेथड समझ में आ रहा है इस टाइप के सम्स यू कैन टेक दैट मेथड एंड कैन सॉल्व इट. सो पहला मेथड देखते हैं. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दे दिया, दो बच्चे हैं आरुण एंड मीरा. वो क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या करा, एक बच्चे ने क्या करा, उन्होंने कह दिया कि जो डिस्टेंस जो है मीन्स 2.5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है अभी हमें नहीं मालूम है, तो आई हैव टेकन एक्स किलोमीटर. This is x किलोमीटर. ठीक है, नाउ मेरा रेशियो क्या बन गया, ये मुझे एक मेजरमेंट मालूम है, तो मेरा आ गया रेशियो हो गया 1000 अपॉन x. और मुझे इनका मालूम है कि सेंटीमीटर 2 अपॉन 2.5, बन गई मेरी इक्वेशन. नाउ इजिली आई कैन सॉल्व इट. कैसे, ये मेरा रेशियो को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में रखा. अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया 1000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 2x. फिर ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 2.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x. अब आप चाहें तो डेसिमल खत्म करने के लिए आप नीचे 10 लिख सकते हैं, तो 0 0 कैंसिल, 2 5 50 2 5 10 और ये 0 आ गया 50. तो अब हमें क्या हो गया 25 इंटू 50 और इसकी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1250. सो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली है वो 1250. इतना मेजरमेंट आएगा, मीन्स इतना किलोमीटर I will get it. मीरा ने कैसे कैलकुलेट करा है, उसने कहा है 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1000 अपॉन 2 किलोमीटर. ठीक है, तो अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी अगर हम करेंगे तो आ गई मीन्स 500 मीटर. सो 2.5 कितना होगा, तो 5 एक का मालूम है, तो आपको मालूम है इफ वी नो द वैल्यू ऑफ 1 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू. तो अब हमें मालूम हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर. सो 2.5 विल बी 500 इंटू 2.5 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 1250 किलोमीटर. सो दिस इज द टू वे दैट यू कैन डू. देखे दोनों में वी आर गेटिंग द सेम आंसर, इधर यू टेक इट इन द रेशियो फॉर्म और यू टेक इट के इतना ये इसके बराबर है, एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू से यू कैन डू द कैलकुलेशन. ऐसी आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90, व्हाट विड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स. तो हम कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 6 बाउल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 bowls is equal to 90 rupees. तो cost price of 1 bowl is equal to 90 upon 6. 6 ones are 6, 6 fives are 30. तो 15 rupees. तो cost price of 10 bowls is equal to 15 into 10, 150 rupees. Or you can put it in ratio. कैसे भी you can do the calculation. एक हमारे पास ये आ गया, the car that I own can go 150 kilometer with 25 liters of petrol. How far can it go with 30 liters of petrol? तो हमारे क्या है, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द लीटर्स, हमारा कितना है, तो हम इसको रेशियो में ले सकते हैं या नहीं, या
हम ऐसे कर सकते हैं कि कार जो है हमारी 150 किलोमीटर 25 लीटर्स में जा रही है, तो और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो इन 25 लीटर्स कार कैन गो 150 किलोमीटर, सो 1 लीटर में इट विल गो 150 बाय 25, सो कितना आया 6 किलोमीटर। तो 1 लीटर में इट कैन गो 6 किलोमीटर, सो 30 लीटर्स में कितना जाएगा, 30 × 6 दैट इज 180 किलोमीटर। सो और ये आपको समझ में आ रहा है कि आप ऐसे भी रिलेशन बना सकते हैं एज वेल एज यू कैन पुट इट इन रेशियो। तो अगर रेशियो वाला आपको सिंपल लग रहा है, गो विद डेट। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, टुडे वी लर्न हाउ कैन वी डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द रेशियो एज वेल एज हम उसकी इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस सम मोर थिंग, हाउ डू वी डू द कंपेरिजन। टिल वी मीट अगेन, बाय।